हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्यभिषेक क्लासेस में। और आज हम लोग शारीर क्रिया के इम्पोर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और सही जवाब देने वाले 3 स्टूडेंट्स का नाम हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सवाल पूछा था उसके विनर्स भी हम लोग लास्ट में अनाउंस करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिए और आज की क्लास ध्यान से अटेंड करिए। इससे पहले हम लोगों ने शारीर रचना के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़े थे और एमसीक्यूज भी डिस्कस की थी। आप वो वीडियो जरूर देखिए और उनसे नोट्स जरूर बनाइएगा। आज हम लोग शारीर क्रिया पढ़ेंगे। शारीर रचना में हम लोगों ने एनाटॉमी पे फोकस किया था और शारीर क्रिया में हम लोग फिजियोलॉजी पे फोकस करेंगे। तो आयुर्वेद में फिजियोलॉजी के बारे में क्या क्या सब बताया गया है शारीर क्रिया में, वो आज हम लोग देखेंगे। तो शारीर क्रिया में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आती है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आयु की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर इंद्रिय सत्व एंड आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयुरुच्यते। तो आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों का मिलन या इन चारों का कॉम्बिनेशन जहां पे होता है वहां एक प्राण की सृष्टि होती है जहां पे, और वो प्राण जितने दिन वो जीता है उसको हम लोग आयु कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग सबकी एक ना एक आयु है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है ना। तो हर मनुष्य की, हर जीव जंतु की एक आयु होती है। जब तक ये शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा एक साथ मिलके रहते हैं तब तक आयु रहती है, और जैसे ही इनमें से कोई एक चीज अलग हो जाए तो आयु भी खत्म हो जाती है ना। आत्मा अगर अलग हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, वहां पे उसकी आयु खत्म हो जाती है। सिनोनिम्स में उसी श्लोक में बताए गए हैं कि धारी जीवित नित्य और अनुबंधम, ये इसके सिनोनिम्स है या आयु के पर्याय बताए गए हैं ये। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है शरीर। तो शरीर क्या होता है? शरीर है चेतना अधिष्ठान भूतम, वो जगह जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो उसको हम लोग शरीर कहेंगे। ठीक, तो ये जो शरीर की जो डेफिनेशन बताई गई है वो चिकित्सा की दृष्टि से बताई गई है कि आपके पास अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वो एक बॉडी है, पंच महाभूत विशिष्ट बॉडी है वो, और उस बॉडी में आत्मा का वास होना चाहिए, चेतना का वास होना चाहिए, है ना। अगर उसमें चेतना का वास ही नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, तो वो शरीर ट्रीटमेंट के लायक ही नहीं है, आप इसको चिकित्सा नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो चेतना अधिष्ठान भूतम बताया गया है ये चिकित्सा की दृष्टि से शरीर का डेफिनेशन बताया गया है। और एक लाइन जो इसमें बताई गई है वो क्या है? पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। तो पंच महाभूत जिनसे ये शरीर बना है, पंच महाभूत में क्या क्या आ जाता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, और उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें उपचय और अपचय चलता रहता है ना। तो जैसा ये जो शरीर है जिसमें पंच महाभूत हैं और उसमें विकार भी हैं, ये सब साथ मिलके रहते हैं, समुदायात्मक मतलब ये साथ मिलके रहते हैं, और इसी बॉडी को आप लोग शरीर बोलेंगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? शरीर इज कॉम्पोज्ड ऑफ, ये जो शरीर है हमारा ये किन चीजों से बना है? हमने ये तो अभी पढ़ लिया कि चलो ये पंच महाभूत और आत्मा या पंच महाभूत और चेतन से ये बना हुआ है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के योग को आयु बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन एक्चुअली ये जो बॉडी है इसमें आत्मा के अलावा ये जो बॉडी और किन किन चीजों से बनी है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? शक्ति रूप द्रव्य जिनको हम बोलते हैं दोष, ठीक है, तो दोष पाए जाते हैं इसमें, शक्ति युक्त द्रव्य जिसको हम बोलते हैं धातु, और शक्तिहीन द्रव्य जिसको हम बोलते हैं मल। तो बेसिकली दोष धातु और मल, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जो हमारा शरीर है वो बेसिकली दोष धातु और मल के योग से बना है, या ये शरीर का मूल है ये तीनों।
दोष धातु और मल शरीर के मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो दोष में क्या क्या आ जाते हैं ये देखिए, दोष में आते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका शारीरिक दोष, शारीरिक दोष और मानसिक दोष, मानसिक दोष, ठीक है। तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष, शारीरिक दोष में क्या क्या आ जाता है, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ आ जाते हैं, ये त्रिदोष भी कहलाते हैं और ये शरीर वाले दोष होते हैं, फिजिकल एंटिटीज, ठीक है। और जो मानसिक दोष है वो है रजस और तमस, रजस और तमस दोनों मानसिक दोष है, या इसको हम बोल सकते हैं मेंटल एंटिटीज बोल सकते हैं, या साइकोलॉजिकल एंटिटीज भी बोल सकते हैं। हम सबको पता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या है, दोष धातु मल ये सब शरीर बनाते हैं ना, तो ये जो त्रिदोष है ये सब अपने सम अवस्था में होने चाहिए, ये सब नॉर्मल स्टेट में होने चाहिए। और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे रजस और तमस है ये जो दोष है ये भी समावस्था में होने चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए, दोष के बाद आता है धातु, सप्त धातु, तो दा धातु सात बताई गई हैं, दोष दो बताए गए थे, शारीरिक दोष और मानसिक दोष, शारीरिक दोष तीन प्रकार के हैं और मानसिक दोष दो प्रकार के हैं। ऐसे ही सप्त धातु बताए गए हैं सात प्रकार के, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इसको इसी क्रम में ही याद रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु बनता है, ठीक है। तो ये एक क्रम में ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोष और धातु के बाद मल, तीन मल बताए गए हैं, तीन मल क्या क्या है, पुरुष मूत्र और स्वेद। जब हम लोग दोष धातु और मल पढ़ते हैं यहाँ पे हमें तीन लाइनें जरूर याद रखनी चाहिए, जो क्या है, दुष्यंति इति दोषः, दुष्यंति इति दोषः, यानी जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष होते हैं। धारयन्ति इति धातु, धारयन्ति इति धातवः, ठीक है। तो ये जो धातु है वो क्या है, वो शरीर को धारण करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, फिजिकल बॉडी जो है, इसमें रस है, रक्त धातु है, मांस है, मसल्स है, मेद एडिपोज टिश्यू है, बोन्स है जिसको हम अस्थि बोलते हैं, बोन मैरो है जिसको मज्जा बोलते हैं, और शुक्र भी है। तो इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो हमारे शरीर को ये धारण करते हैं, इसीलिए ये धातु कहलाते हैं। और मल, मल की डेफिनेशन क्या है, मलिनीकरणात् मला, मलिनीकरणात् मला, ठीक है। तो जो शरीर को मलिन करे या गंदा करे उसको हम मल बोलते हैं। और देखिए ये तीनों चीजें, पुरुष हो चाहे मूत्र हो चाहे स्वेद हो, स्वेद मतलब आपका जो पसीना है ना, वो शरीर से बाहर निकलती है हमेशा, इसको आप शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते हो, इसको स्टोर करना नहीं है हमें, है ना, इसको जैसे तैसे करके इसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये शरीर को मलिन करते हैं, मैला कर देते हैं, तो इसीलिए इनको त्रिमल कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया कि दोष क्या है, जो दूषित करते हैं, धातु क्या है, जो धारण करते हैं, और मल क्या है, जो मलिन करते हैं शरीर को। तो आप लोग इसको नंबर वाइज और इनके नाम क्रम समेत आपको याद रखना है, जिस क्रम में जैसे बताया गया है वैसे ही आपको याद रखना है। ओके, तो अब दोष धातु और मल, हमने पढ़ा कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, तो ये जो दोष धातु और मल है जो हमारे शरीर को बना रहे हैं या जो हमारे शरीर के मूल है, ये भी पंच महाभूत से ही बने होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो कौन सा दोष, कौन सा धातु, कौन सा मल किस भौतिक कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, किस पंचमहाभूत से बना हुआ है, किस महाभूत से बना हुआ है, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं दोष, दोष में आता है वात, वात आपके वायु और आकाश महाभूत से बना है, वायु और आकाश। सेकंड आता है पित्त, इसमें अग्नि बहुलता रहती है, देखिए अग्नि के पास तीन प्लस साइंस है, अग्नि बहुलता रहती है मतलब अग्नि ज्यादा रहती है और जल रहता है, तो अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन से पित्त बनता है जिसमें अग्नि जल से थोड़ा ज्यादा होता है।
उसके बाद आता है कफ। कफ आपके पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत के योग से बनता है, जिसमें जल महाभूत थोड़ा सा ज्यादा होता है पृथ्वी से। ठीक है, तो ये आप इसी हिसाब से याद रखेगा। वात हो गया वायु आकाश, पित्त हो गया अग्नि जल, और कफ हो गया पृथ्वी जल। ठीक, उसके बाद आता है धातु और उसके भौतिक कंपोजिशन। तो देखिए, रस धातु जो है जल से बनता है, रक्त में जल और अग्नि होती है, अग्नि थोड़ी ज्यादा होती है रक्त में। मांस में पृथ्वी और जल होता है, पृथ्वी ज्यादा होता है। मांस क्या होता है, मांस सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, और लिक्विड जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जल महाभूत की अधिकता होती है। बाकी गैशियस ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें वायु और आकाश महाभूत की अधिकता रहेगी, और जो अपनी अग्नि है वो अग्नि डिपेंड करती है किसका टेम्परेचर, किसका हीट कितना है, तो उसके ऊपर अग्नि महाभूत उसमें कितना रहेगा ये पता चलता है। तो मांस देखिए पृथ्वी और जल के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद आता है मेद, जो जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पे जल थोड़ा सा ज्यादा है, पृथ्वी थोड़ा कम है। ठीक, अस्थि धातु पृथ्वी और आकाश के कॉम्बिनेशन से बनता है। अस्थि अपने बोन्स है, एक तो बोन सॉलिड होता है इसलिए पृथ्वी, और बोन्स के अंदर क्या होते हैं, बोन्स के अंदर छोटे छोटे हॉलो स्पेसेस भी होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं, इसलिए वहां पे आकाश महाभूत को भी रखा गया है, इसलिए पृथ्वी और आकाश के कॉम्बिनेशन से अस्थि धातु बनता है। नेक्स्ट आता है मज्जा। मज्जा जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से बनता है, जल थोड़ा सा ज्यादा होता है, पृथ्वी थोड़ा कम होता है। मज्जा सॉफ्ट टिश्यू होती है ना, लेकिन हार्ड होती है थोड़ी सी, मतलब टेक्सचर उसकी कैसी होती है, सेमी सॉलिड टाइप की होती है, जिसमें जल महाभूत भी होता है और पृथ्वी महाभूत भी होती है। और शुक्र लास्ट में आता है, शुक्र भी जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से बना है, थोड़ा थोड़ा जल और थोड़ा सा कम पृथ्वी। तो यहाँ पे प्लस साइन देख के आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा महाभूत कितनी मात्रा में उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मल। मल में क्या है, सबसे पहले है पुरीश। पुरीश पृथ्वी और जल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ज्यादा पृथ्वी होती है और जल थोड़ा कम रहता है। मूत्र जल और अग्नि के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो जल उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। आपको पता है मूत्र लिक्विड है, ऑब्वियसली जल महाभूत उसमें ज्यादा ही रहेगा। देन आता है स्वेद। स्वेद गर्मी में ज्यादा निकलता है, ठंडी में नहीं निकलता है, इसलिए अग्नि और जल महाभूत के योग से ये स्वेद बनता है, जिसमें अग्नि महाभूत थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग पंच महाभूत देख सकते हैं, जिसमें हमारा शरीर बना हुआ है। फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल, स्काई यानी आकाश, एयर वायु हो गई, और अर्थ हो गया आपकी पृथ्वी, है ना। तो पंच महाभूत आपको याद रखना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये इसका क्रम है। तो इसी क्रम में इसको याद रखना है, ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इसी क्रम में इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या बताए गए हैं, धातु एंड देयर उपधातु। तो धातु के अलावा कुछ उपधातु भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उपधातु क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये इन धातुओं से ही बनते हैं, ठीक है। तो रस धातु जो है हमारा, रस धातु के उपधातु बताए गए हैं स्तन्य और आर्तव। स्तन्य यानी मिल्क, और आर्तव होता है आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो स्तन्य और आर्तव रस के उपधातु बताए गए हैं। रक्त के उपधातु में कंडरा और सिरा बताए गए हैं। जो हमारे शरीर में कंडरा और सिरा पाई जाती हैं, वो रक्त धातु से ही बनती हैं। उसके बाद आता है वसा और त्वक। वसा और त्वक मांस धातु से बनता है, तो मांस धातु का उपधातु है ये वसा और त्वक। मेदो धातु से क्या बनता है, स्नायु और संधि। स्नायु और संधि मेदो धातु का उपधातु है। अस्थि मज्जा का कोई उपधातु नहीं बताया गया है, और शुक्र का उपधातु बताया गया है ओजस। नेक्स्ट आते हैं दोष। दोष के बारे में थोड़े से डिटेलिंग है, क्या क्या है दोष, कैसे हैं, उसके भेद क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोष और उनके मेन साइट, ये जो दोष वात पित्त कफ बताए गए हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो वात का जो मेन साइट है वो है पक्वाशय। पक्वाशय बताया गया है, बिलो नाभि बताया गया है वात का स्थान। तो स्थान करके क्वेश्चन आ सकता है, वात के स्थान क्या है। तो वात का मेन मुख्य स्थान है पक्वाशय। और फिर पित्त आता है, पित्त कहाँ पर होता है, पित्त होता है नाभि प्रदेश में। नाभि यानी नाभि और हृदय के
बीच में ये जो रहता है एरिया, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, नाभि के नीचे हो गया वात, नाभि और हृदय के बीच में हो गया पित्त, और ये जो हृदय की जो लाइन है उसके ऊपर हो गया कफ। तो मेनली उरह प्रदेश जो होता है वो कफ का स्थान कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, वात का स्थान पक्वाशय है, पित्त का है नाभि और कफ का है उरह प्रदेश। नेक्स्ट क्या आता है, दोष और उसके नॉर्मल फंक्शन। ये जो वात पित्त कफ बताए हैं इनके नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या है। तो वात का नॉर्मल फंक्शन क्या क्या बताया गया है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग प्रवर्तन, धातु पोषण और इंद्रिय पाटव। तो उत्साह यानी आप खुशी से काम करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं हर चीज के लिए, तो वो वात का काम है। उच्छ्वास निश्वास हो गई रेस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये भी वात का काम है। चेष्टा वेग प्रवर्तन, चेष्टा आ गया मूवमेंट, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये जितने भी मूवमेंट्स बॉडी के हो रहे हैं ये सब वात कराता है। वेग प्रवर्तन, जो मलमूत्र का वेग है उसको बाहर निकालते हैं, निकालने के लिए भी वात ही रिस्पॉन्सिबल है, वात ही ये कराता है। धातु का पोषण, धातु को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, जो सात धातु बताए गए हैं सभी धातुओं को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, तभी जाके वो मेंटेन होके रहेंगे, हेल्दी स्टेट में रहेंगे। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा तो सारी धातुएं कमजोर हो जाएंगी, है ना। तो धातु को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए वात ही हेल्प करता है। और इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां बताई गई हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, है ना, और मन उभयेंद्रिय होता है। मन हमारा ज्ञानेंद्रिय भी होता है और कर्मेंद्रिय भी होता है, टोटल 11 इंद्रियां बताई गई हैं, ठीक है। तो इन इंद्रियों का फंक्शन सारा मेंटेन करने के लिए भी वात ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, अपने घ्राण नाक को सूंघने के लिए, मुंह को टेस्ट करने के लिए, जिह्वा हमारी होती है इंद्रिय, तो टेस्ट करने के लिए, वो सब के लिए वात रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वात ही ये सब कराता है। नेक्स्ट आता है पित्त। पित्त क्या क्या काम कराता है, पाचन, ऊष्मा, दर्शन, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, प्रभा, मेधा, ही, शौर्य, तनु, मार्दव, ठीक है। तो पाचन मतलब डाइजेशन वर्क हो गया, ऊष्मा मतलब बॉडी का हीट मेंटेनेंस हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये भी पित्त कराता है। दर्शन, आप जो देखते हो, वो जो लाइट चाहिए होती है ना, आंखों में लाइट पड़ती है तभी आप चीजों को देख पाते हो, तो ये पित्त का काम है। उसके बाद है क्षुधा, क्षुधा मीन्स भूख लगना, भूख लगना भी पित्त का काम है, प्यास लगना भी पित्त का काम है, तृष्णा मीन्स प्यास लगना, रुचि, किसी काम में आपको रुचि है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट आना जो होता है, इंटरेस्ट लेना खाने पीने की चीजों में हो, चाहे कोई भी काम में हो, पढ़ने में हो, हर चीज में रुचि आपकी पित्त ही रेस्पॉन्सिबल है, पित्त ही कराता है। प्रभा, प्रभा आपका कलर कैसा है, कम्प्लेक्शन आपके बॉडी का कैसा है, आप गोरे हो, काले हो, चमकदार हो, या आपकी स्किन डल है, वो सब चीजें भी पित्त ही मैनेज करता है। उसके बाद आती है मेधा, मेधा मीन्स आपकी याद रखने की शक्ति कितनी है, और धारण करने की शक्ति कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है किसी चीज को, तो ये जो चीजें नॉलेज से जुड़ी हुई हैं, वो सभी मेधा धी ये सब आपका पित्त ही कराता है। उसके बाद शौर्य, शौर्य मतलब आप कितने बहादुर हो, आपको कितना डर लगता है, तो ये चीजें भी पित्त ही कराता है। उसके बाद आता है तनु, मार्दव आपकी स्किन को सॉफ्ट रखना, है ना, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखना, मार्दव मीन्स मृदुता मीन्स सॉफ्टनेस, वो आपकी स्किन की सॉफ्टनेस को मेंटेन करता है पित्त। नेक्स्ट जो हमारा दोष है वो है कफ, वो क्या क्या काम करता है बॉडी में, स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधन, क्षमा और बल। तो कफ को बल भी कहा गया है, आपकी बॉडी में अगर कफ नॉर्मल स्टेट में है तो आप में बहुत बल रहेगा, आप ताकतवर हो गए हर चीज में, शारीरिक बल हो चाहे मानसिक बल हो, दोनों ही कफ की वजह से होता है। और स्थिरत्व, ये बॉडी को एक स्थिरता प्रदान करता है ना, नहीं तो आप उड़ जाते, गिर जाते, आप स्टेबल नहीं हो पाती आपकी बॉडी, तो ये कफ ही है जो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। स्निग्धत्व, स्निग्धत्व क्या होता है, हमारी बॉडी को गीला रखने के लिए बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को चिकना रखते हैं, है ना,
तो उसको स्निग्धत्व कहते हैं, वो भी कफ की वजह से ही होता है। संधि बंधन, जहां जहां संधियां होती है उसको जोड़ के रखने के लिए जो जिम्मेदारी लेता है वो है कफ। कफ ही है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ के रखता है ना। तो जहां जहां जोड़ पाए जाते हैं वहां वहां कफ पाया जाता है। और क्या इसका काम है, वो है क्षमा, है ना। तो हमारे मन में क्षमा भाव लाना दूसरों के प्रति, क्योंकि बहुत बहुत जगहों पे हम गुस्सा हो जाते हैं लेकिन फिर कुछ देर बाद हम शांत हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज कफ मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्या आता है, दोष एंड उसके गुण। तो दोषों के कुछ गुण बताए गए हैं और यही गुण, ये दोष हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले आता है वात दोष। वात के क्या क्या गुण बताए हैं, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। वात के ये सारे गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है पित्त। सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, सरम और द्रवम। नेक्स्ट आता है कफ। कफ के गुण में क्या क्या आते हैं, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृत्स्न और स्थिर। ठीक है, तो ये जो गुण है हमारे शरीर में, ये सारे गुण मौजूद हैं। कभी कभी हमारा शरीर रूक्ष हो जाता है ना, और कभी कभी हमारा शरीर स्निग्ध हो जाता है। तो ये जो रूक्षता और स्निग्धता, वात और कफ जब समावस्था में रहेंगे तो ये रूक्षता और स्निग्धता को बैलेंस बना के रखेंगे। बॉडी ज्यादा रूक्ष हो रही है मतलब वात बढ़ रहा है, बॉडी ज्यादा स्निग्ध हो रही है मतलब कफ बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही शीत और उष्ण देख लो, कोई चीजें, कुछ कुछ चीजें हमारे शरीर में ठंडी होती हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे शरीर में गर्म होती हैं। तो वो सब ये तीनों दोष आपस में बैलेंस बना के रखते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट क्या आता है, दोष अंदर प्रेडोमिनेंस इन रिलेशन टू एज एंड टाइम। तो दोष जो है वो एज वाइज भी डिफर करते हैं, वो टाइम वाइज भी डिफर करते हैं। किस टाइम में वात की वृद्धि होगी, किस टाइम में पित्त की वृद्धि होगी, किस टाइम में कफ की वृद्धि होगी। तो ऐसा क्या बताया गया है यहाँ पे, देखिए एज वाइज, ओल्ड एज, ओल्ड एज में जब आदमी वृद्ध होने लगता है तब वात की वृद्धि होती है उस टाइम पे। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, हर तरह का दर्द निकलने लगता है ना, और बॉडी की जो मूवमेंट फंक्शन वगैरह वो सब भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं बुढ़ापे में। तो ये वात वृद्धि के लक्षण है, ये सब ओल्ड एज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है एज आपकी यूथ, यूथ यानी जवान आदमी अगर है, जवान जवानी में, टीन एज में, तो इन सब एजेस में पित्त की प्रिडोमिनेंस रहती है ना। एक्साइटेड रहता है आदमी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सारे सपने देखता है, बहुत कुछ करने का बहुत बहादुर होता है, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, बहुत कुछ सोचता रहता है ना। तो वो सारी चीजें पित्त की वजह से होती है। यंग एज में पित्त हमेशा प्रिडोमिनेंट रहता है, भूख बहुत लगती है, खाने का बहुत मन करता है, ये खाएंगे, वो खाएंगे, इधर घूमने जाएंगे, ये सब जवानी में होता है कि नहीं। उसके बाद देखिए बचपन, बचपन में कफ की अधिकता रहती है। तो उस समय में क्या, बच्चे थोड़े से अच्छे से गोलू मोलू से प्यारे प्यारे से होते हैं, नहीं कफ की अधिकता उसमें रहती है। बच्चे शांत रहते हैं, सो जाते हैं, काफी देर सोते रहते हैं, कफ में जिसकी कफ वृद्धि हो जाती है उसको खूब नींद आती है। तो ये बच्चों में पाया जाता है ज्यादातर। टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इवनिंग में, लेट आवर्स ऑफ नाइट एट द एंड ऑफ डाइजेशन, ये बताया गया है वात वृद्धि का। तो यहाँ पे हम लोग टाइम घड़ी देख सकते हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक आपकी कफ की वृद्धि रहती है, कफ का काल रहता है। वैसे ही सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और रात को 10 बजे से रात आधी रात 2 बजे तक है ना, तो वो पित्त का काल रहता है। और वात में रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है वात का काल। तो इसीलिए एकदम सुबह सुबह एकदम मतलब रात जब खत्म होने वाली होती है और शाम के वक्त वात का काल रहता है। और एंड ऑफ डाइजेशन यानी जब खाना पाचन हो जाता है उसके बाद वात की वृद्धि हो जाती है। पित्त हमेशा बीच में आता है, ठीक है। तो बीच का जो समय रहता है, ज्यादा भूख लगना जिस समय में 10 बजे से 2 बजे के अंदर ज्यादा भूख लगती है ना, तो उस टाइम पे पित्त की वृद्धि रहती है। तो आधी रात में
और पाचन, खाना खाने के बाद जो पाचन काल रहता है, जब खाने का पाचन हो रहा होता है तब पित्त का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पाचक पित्त का, तो उस टाइम में भी पित्त की वृद्धि रहती है, इसलिए ड्यूरिंग डाइजेशन बताया गया है। कफ का काल क्या है, अर्ली मॉर्निंग, जब देखिएगा आप सुबह सुबह जब उठेंगे तो आपको लगेगा गले में कफ जमा हुआ है, आंखें भारी भारी लग रही हैं, सर भारी भारी लग रहा है, तो ये कफ की वजह से ही होता है। वैसे ही रात में भी, रात में जैसे आप खाना खा लेंगे इमिडिएटली उसके बाद आपको भारी भारी लगने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी, ये सब कफ की वजह से ही होता है। तो इमिडिएटली खाना खाने के बाद भी कफ की वृद्धि होती है। उसके बाद क्या बताया गया है, दोष और अग्नि का रिलेशन बताया गया है, ठीक है। तो वात अगर ज्यादा बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगी, हमारी अग्नि जो है वो विषम हो जाएगी। अग्नि यानी यहाँ पे जठराग्नि को बोला गया है, ठीक है, जठराग्नि जो हमारी मेन अग्नि होती है। अग्नि कितने प्रकार की होती है, अग्नि टोटल 13 प्रकार की बताई गई है। एक होती है जठराग्नि, 7 होती है धात्वाग्नि और 5 होती है भूताग्नि, ठीक है। तो ये सारी अग्नियां जो है ये पूरे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस और फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में वो ये अग्नि मेंटेन करते हैं। और अग्नि को कौन मेंटेन करता है, यही त्रिदोष जो है वात पित्त कफ, ये अग्नि को मेंटेन करके रखते हैं। किस टाइम पे अग्नि ज्यादा होनी चाहिए, किस टाइम पे अग्नि कम होनी चाहिए। अब जैसे देखिए हम कभी कभी बोलते हैं कि अग्नि अभी ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो तीक्ष्ण अग्नि है, पित्त की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। हम बोलते हैं हमें भूख ही नहीं लगी, खाने का टाइम हो गया फिर भी भूख नहीं लगी, मतलब मंदाग्नि है, अग्नि कम हो गई है वहां पे। कफ की वृद्धि के कारण ऐसा होता है, कफ जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मंदाग्नि रहती है। तो ऐसे ही ये बताया गया, वात की वजह से विषमाग्नि होती है। विषमाग्नि में क्या होता है, कभी कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो इस तरह की विषम हो जाती है अग्नि, ठीक। और इसमें कुछ रोग भी बताए गए हैं, तो विषमाग्नि की वजह से विष्टब्धा जीर्ण होता है, विष्टब्धा जीर्ण, ठीक है। ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, पित्त में तीक्ष्णाग्नि रहती है और डिजीज क्या रहता है, विदग्धा जीर्ण, जो भी खाना वो खाएगा वो भस्म हो जाएगा, विदग्ध हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा जल जाएगा पेट में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कफ, कफ की वजह से होती है मंदाग्नि, जिसमें आमा जीर्ण होता है। अगर खाने का पाचन सही से ना हो तो आम की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है और वहां पे आम की उत्पत्ति होती है। आम क्या होता है, आम होता है अपक्व अन्न रस, जो खाना आप खा रहे हो अगर वो सही से पाचन नहीं हो रहा है तो जो रस बनेगा उसको हम लोग आम बोलेंगे। और ये रस जो है अपक्व अन्न रस, ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां करने में सक्षम है, ये सभी धातुओं को भी खराब कर देगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। तो मंदाग्नि काफी डेंजरस होती है हमारे लिए। उसके बाद अगर वात और पित्त दोनों ही बढ़ जाए और कफ का क्षय हो जाए, मतलब कफ बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो भस्मकाग्नि होती है, ठीक है। तो भस्मकाग्नि में भस्मक रोग बताया गया, भस्मक मीन्स वो जितना खाता है वो सब भस्म हो जाता है। भस्म इन द सेंस वो बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं होता है, बॉडी का न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता है। जो खाना पेट में जाता है वो कहीं ऐसा लगता है कि गायब हो गया, गायब हो गया या फिर बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो बॉडी के किसी काम नहीं आता है उस भस्मक रोग में। नेक्स्ट और क्या बताया गया है, वात पित्त और कफ अगर सम अवस्था में हो तो समाग्नि रहती है और सम्यक जीर्ण होता है। अगर वात पित्त कफ बैलेंस होके चले तो क्या होगा, जितना भी खाना आप खाएंगे वो अच्छे से पाचन हो जाएगा, आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी, टाइम पे भूख भी लगने लगेगी, ठीक है, इसको सम्यक बोलते हैं, सम्यक अवस्था या समाग्नि बोलते हैं, ठीक। तो ये हेल्दी स्टेट मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को वात पित्त और कफ तीनों चीजें एकदम सम अवस्था में होनी चाहिए, नॉर्मल स्टेट में होनी चाहिए। इसके बाद क्या बताया गया है, दोष और कोष्ठ का रिलेशन। कोष्ठ क्या होता है, यहाँ पे कोष्ठ हमने शारीर रचना में क्या पढ़ा था, शारीर रचना में हमने बोला था कि कोष्ठ एक खाली जगह है जिसके अंदर कोई ऑर्गन रहता है, वहां हमने कोष्ठांग पढ़े थे, 15 कोष्ठांग बताए गए थे। यहाँ पे जब हम फिजियोलॉजी में आ जाते हैं तो फिजियोलॉजी में कोष्ठ का मतलब हम लोग बावल हैबिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में बावल हैबिट कैसी है, यानी बावल हैबिट क्या होता है, लैट्रिन किस तरह की हो रही है, खाने का डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें बावल हैबिट में आ जाती हैं। तो वात की वजह से क्या होता है, क्रूर कोष्ठ होता है। क्रूर कोष्ठ में क्या होता है,
कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, लैट्रिन एकदम हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, सूख जाती है, रुक्षता आ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बात की अगर वृद्धि होती है तो बहुत ज्यादा रुक्ष मल निकलने लगता है। तो मल, उसका मल कैसा आता है उसको हम लोग कोष्ठ यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट है पित्त। पित्त की वजह से मृदु कोष्ठ रहता है। मृदु कोष्ठ क्या होता है, थोड़ा भी कुछ आप खा ले, थोड़ा सा दूध पी लिया, लैट्रिन हो गई, तो एकदम मृदु कोष्ठ ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कफ। कफ की वजह से मध्यम कोष्ठ रहता है। मध्यम मीन्स नॉर्मल एकदम कोष्ठ रहता है, बावल बिल्कुल अच्छी रहती है, जैसे आनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आती है। और त्रिदोष अगर समावस्था में हो तो भी मध्यम कोष्ठ ही बोला जाता है, ठीक है। तो कफ और त्रिदोष साम्यता ये नॉर्मल स्टेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं कोष्ठ का। और अगर वात बढ़ जाए तो क्रूर कोष्ठ होगी, पित्त बढ़ जाए तो मृदु कोष्ठ रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोष के हिसाब से कोष्ठ कैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, दोषों का असर प्रकृति पे भी होता है। प्रकृति मीन्स मनुष्य का नेचर, नेचर उसका कैसा है उसको आप प्रकृति बोल सकते हैं। प्रकृति के बहुत सारे भेद बताए गए हैं, वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकृति में क्या क्या सब आता है। तो उसका रिलेशन हमारे दोषों के साथ भी है। वात दोष अगर बहुत बढ़ा हुआ हो तो हीन प्रकृति का होता है मनुष्य, पित्त दोष हो तो मध्य प्रकृति का होता है, कफ दोष हो तो उत्तम प्रकृति का होता है, और त्रिदोष अगर समावस्था में हो तो श्रेष्ठ प्रकृति का होता है मनुष्य, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, हीन मध्य उत्तम और श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष और रस का रिलेशन, ठीक है। दोषों को कौन से रस बढ़ाते हैं और कौन से रस उसको कम करते हैं। तो सबसे पहले है वात दोष। वात दोष में मधुर अम्ल और लवण, मधुर अम्ल और लवण ये क्या करते हैं, वात दोष को शांत करते हैं, ठीक है। और इनको बढ़ाता कौन है, कटु तिक्त और कषाय रस। कटु तिक्त और कषाय रस वात को बढ़ा देते हैं। पित्त, पित्त में कषाय तिक्त और मधुर रस जो है वो पित्त शामक है, वो पित्त का शमन करते हैं या कम करते हैं उनको। और अम्ल लवण और कटु, अम्ल लवण और कटु रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं उसको। नेक्स्ट नंबर थ्री में है कफ। कटु तिक्त और कषाय कफ शामक है, ये कफ को कम करते हैं, और मधुर अम्ल और लवण कफ वर्धक है। इधर आप लोग एक चीज मार्क कर सकते हैं कि मधुर अम्ल लवण जो है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे वात का शमन करते हैं मधुर अम्ल लवण, लेकिन कफ को बढ़ा देते हैं। और कटु तिक्त कषाय जो रस है वो क्या करते हैं, वो कफ का शमन करते हैं लेकिन वात को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि षड रस जो है वो आपको डेली बैलेंस डाइट में 6 के 6 रस आपको खाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 6 के 6 रस अगर आप खाएंगे तो वात पित्त और कफ तीनों को ये समावस्था में बना के रखेगा। ये किसी एक दोष को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो क्या होगा, आपका कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वात कम हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, वात के साथ आपका पित्त भी कम हो जाएगा, है ना। तो आपको एक ही रस नहीं खाना है। जब भी आप लोग कोई लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो उसमें 6 के 6 रस मौजूद होने चाहिए, जिससे वात पित्त और कफ की जो स्थिति है वो बैलेंस स्टेट में बनी रहे। नेक्स्ट जो बताया गया है आश्रय आश्रय भाव, ये क्या होता है, कौन सा दोष कौन से धातु के साथ आश्रय करके रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वात जो है वो अस्थि धातु को आश्रय करके रहता है, ठीक है। अस्थि के अंदर हॉलो स्पेस है, पोर्स है, मैंने कहा था उसके अंदर हवा रह सकती है आराम से, तो वात जो है वो अस्थि धातु को आश्रय करके रहता है। नेक्स्ट है पित्त। पित्त रक्त को आश्रय करके रहता है, और मल इसका क्या है, स्वेद। स्वेद को भी ये आश्रय करके रहता है। तो रक्त और स्वेद दोनों ही पित्त के आश्रय हैं। और कफ दोष अगर हम देखें तो रस मांस मेद मज्जा और शुक्र, ये जो बच गई 5, इन सभी में कफ का आधिक्य रहता है, कफ इसमें आश्रय होकर रहता है। और मल में पुरुष और मूत्र में कफ ज्यादा हो पाया जाता है, कफ पुरुष और मूत्र को आश्रय करके रहता है। तो ये आपको इसी तरह से याद रखना है कि अस्थि धातु जो है उसमें वात रहता है, रक्त में पित्त रहता है, और जो बाकी धातुएं बच गई रस मांस मेदा मज्जा और शुक्र, इनमें कफ रहता है। वैसे ही मल में अगर हम देखें तो जो स्वेद है हमारा उसमें
पित्त दोष रहता है और पुरुष और मूत्र में कफ दोष रहता है। नेक्स्ट क्या है, दोष और उनके रिलेशन विद त्रिगुण। त्रिगुण हमने पढ़े और मानसिक दोष भी हम लोगों ने पढ़े ना। त्रिगुण में क्या क्या आ जाता है, सत्व रज और तम, सत्व रज और तम, ठीक है। तो ये त्रिगुण है यानी मन के गुण है। आप सत्व प्रकृति के हो, सत्व गुण के हो, या फिर रज गुण के हो, या तम गुण के हो, ठीक है। इनका जो डिटेल आपको, ये जो सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है, ये क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको शारीरिक रचना और शारीरिक क्रिया दोनों बुक में आपको मिल जाएंगी। आप वो बुक खोल के एक बार उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही बता पाएंगे, डिटेल्स इतना हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट्स ही हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार शरीर क्रिया की बुक खोल के उसको देख लीजिएगा, सत्व रज और तम में क्या क्या गुण होते हैं। और मानसिक दोष में हमने क्या पढ़ा था, मानसिक दोष में हमने पढ़ा था रज और तम, यानी सत्व जो होता है वो मानसिक दोष नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य सत्व प्रकृति का है, सत्व गुण का है, तो उसमें कभी भी किसी भी प्रकार के मानसिक रोग नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई मनुष्य रज और तम गुण विशिष्ट है, उसका मन रज गुण विशिष्ट है या तम गुण विशिष्ट है, तो उनमें कुछ ना कुछ आपको मानसिक रोग देखने को मिलेगा, ठीक। अब आ जाइए दोष को, दोष के लिए क्या कहा गया है, वात दोष जो है वो सत्व और रज गुण विशिष्ट होता है, ठीक है, या सत्व और रज गुण में वात दोष की अधिकता होती है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं अधिकता होती है। नेक्स्ट है पित्त, पित्त में सत्व नॉर्मल सी में रहता है और रजस में प्रकोप अवस्था में रहता है पित्त, ठीक है। नेक्स्ट आता है कफ, कफ में तमोगुण ज्यादा होता है, ठीक, प्राकृत और विकृत दोनों ही, ये प्रकृत और विकृत कर देता है आपके मन को, तो तमोगुण कफ में ज्यादा रहता है। उसके बाद क्या आता है, त्रिदोष अंदर सीट्स इन दी बॉडी, ये जो त्रिदोष हैं ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ बसते हैं या कहाँ कहाँ इनका स्थान होता है। तो ये स्थान हम लोगों ने मुख्य स्थान अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वात का पक्वाशय है, पित्त का नाभि है और कफ का उरह प्रदेश है। इसके अलावा और क्या क्या स्थान बताए गए हैं, वात क्या क्या बताया गया है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रेंद्रिय, अस्थि और स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय कौन सा है, आपकी स्किन, ठीक है, ये स्पर्शनेंद्रिय, इसी में टच वाला सेंसेशन होता है ना, जब आप टच करते हो आपको पता चलता है स्किन में। श्रोत्रेंद्रिय हो गई आपकी ईयर, है ना, कान में। अस्थि आपको पता है बोन्स, शक्ति पैरों में, कटी कमर में और पक्वाशय, पक्वाशय मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे आपका वात का स्थान रहता है, वात यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पित्त, पित्त का स्थान कहाँ कहाँ बताया गया है, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, दृक इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। दृक इंद्रिय आ गई आपकी आईज, ठीक, आईज, और स्पर्शन इंद्रिय है स्किन। तो स्किन में पित्त का क्या काम है, स्किन में से जो सिक्रेशंस आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो सब पित्त की वजह से होते हैं। और एक टेम्परेचर मेंटेन करता है पित्त, है ना, ऊष्मा एक बताया गया था उसमें। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आप कहाँ पे पता करते हैं, स्किन पे ही पता करते हैं ना, बॉडी गर्म हो गई है, ठंडी हो गई है। तो स्पर्शन इंद्रिय यानी स्किन में पित्त का भी वास होता है। और स्पेशली आईज जो होती है, आंखें बताई गई है, आंखें जो देखने की शक्ति होती है हमारी, उसमें बताया गया है ना, दर्शन पित्त का कर्म बताया गया, तो दर्शन आंखों से ही किया जाता है, तो ये आंखों में पित्त का स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जो दोष हमारा, वो है कफ, कफ का स्थान क्या क्या बताया गया है, उरह, कंठ, शिरा, क्लोम, परवाणी, आमाशय, रस, मेदा, घ्राण और जीवा। तो घ्राण हो गया आपका नासा, नाक, है ना, नोज, तो नोज में सिक्रेशंस, नोज गीला रहता है आप सभी को पता है, कि तो ये नोज की जो हमारी सूंघने की शक्ति है वो उसमें कफ का वास होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप जितने भी जगह देख रहे हैं उन सब जगह में हम ये बोल सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए लिक्विड चाहिए, फ्लूइड चाहिए, तो वो भी कफ की वजह से मेंटेन होके रहता है। तो ये सारे स्थान कफ के बताए गए, आपको ऐसे ही इनके नाम पूरे याद रखने, उरह, कंठ, शिरा, क्लोम, परवाणी, आमाशय, रस, मेदा और घ्राण और जीवा। और वात के पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रेंद्रिय, अस्थि, स्पर्शनेंद्रिय, पित्त का नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस और दृक इंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, ऐसे इसके स्थान सारे के सारे याद रखने।
और मेन साइट्स भी याद रखना है, ऑब्वियसली मुख्य स्थान कौन से हैं, वात का है पक्वाशय, पित्त का है नाभि और कफ का है उरस। नेक्स्ट है दोष और उनके प्रकार। हम लोग दोष के बारे में पढ़ रहे हैं, वात पित्त और कफ, और इन सभी के पांच पांच प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, वात के पांच प्रकार, पित्त के पांच प्रकार और कफ के पांच प्रकार। वात के पांच प्रकार क्या क्या है? प्राणवात, उदानवात, व्यान, समान और अपानवात। पित्त के क्या क्या है? पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक और भ्राजक पित्त। इसके अलावा कफ के क्या क्या पाए गए हैं? अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। ठीक है, तो ये पांच पांच नाम आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आलोचक किसकी वैरायटी है? वात की, पित्त की या कफ की? तो आलोचक किसकी है वैरायटी? वो है पित्त की। ठीक है, बोधक किसकी वैरायटी है? बोधक कफ की वैरायटी है। तो इस तरह से आपको ये पांच पांच भेदों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद फंक्शंस बताए गए हैं, इनके साइट्स बताए गए हैं, ये पांचों भेद जो हैं, ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वायु के बारे में हम वात के बारे में पढ़ेंगे। वात में सबसे पहला प्रकार जो है वो है प्राणवात। तो प्राणवात का लोकेशन क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क, और ये सर्कुलेट करता है कंठ और उरस में। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? बुद्धि धारण, हृदय धारण, चित्त धारण, इंद्रिय धारण, निष्टीवन, शवथु, उद्गार, निश्वास और अन्न प्रवेश। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसको निगलते हैं, वो अंदर जाता है, निश्वास हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, उद्गार निकलता है बाहर, खाना खाने के बाद डकार आती है उसको उद्गार बोलते हैं, शवथु थूक निकलना, छींक आना, निष्टीवन, है ना। तो ये सारा काम आपके प्राणवायु का है। इसके अलावा बुद्धि, हृदय, चित्त और इंद्रियों को धारण करना, इनके फंक्शंस कराना भी प्राणवायु का काम है। उसके बाद आ गया नंबर टू में उदानवात। उदानवात कहाँ पे रहता है? उरस में रहता है, और ये नासा, नाभि और गले के बीच में सर्कुलेट करता है। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है? वाक प्रवर्तनम। आप जो बोलते हैं, मैं जो अभी पटर पटर बोल रही हूँ, ये उदान वायु की वजह से ही बोल रही हूँ। प्रयत्न, बल, ऊर्जा, वर्ण और स्मृति, तो ये सारे कर्म जो है ये उदान वायु की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट नंबर थ्री में आता है समानवाद। समानवाद कहाँ रहता है? जठराग्नि जहाँ पे होती है वहां पे समानवाद होती है, और ये कोष्ठ यानी जो हमारा जो आमाशय है, पक्वाशय है, ये सब कोष्ठ है ना, कोष्ठ के अंदर वाले सारे ऑर्गन से खाली जगहें हैं, तो इनके अंदर ये समान वायु घूमता रहता है, अपना कर्म करता रहता है। और इनके फंक्शंस क्या क्या बताए गए हैं? अन्न ग्रहण, अग्नि संदूक्षण, अन्न पाचन, सार किट विभाजन, मतलब अन्न को ग्रहण करना, अन्न अंदर चला गया प्राणवायु ने, अन्न को निगलन या डिग्लुडेशन में हेल्प किया। ठीक है, प्राणवायु अन्न को अंदर धकेल दिया उसने, उसके बाद वो अन्न कहाँ गया? वो आपके स्टोमक में चला गया। अब स्टोमक में आपका समान वायु मौजूद है, उसने अन्न को ग्रहण किया, उसको संदूक्षण, उसको संश्लेषण किया, उसको पाचन कराया, उसके बाद क्या किया? उसमें से सार अंश और किट अंश को अलग कर दिया। जो शरीर को चाहिए वो सार अंश होता है, और जो मल में परिवर्तित हो जाता है वो किट अंश होता है। वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं करना है, सिर्फ सार अंश को ही एब्जॉर्ब करना है। तो ये सब समान वायु का काम है। उसके बाद नंबर फोर में आता है व्यानवाद। व्यानवाद कहाँ रहता है? ये हृदय के पास रहता है, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हृदय से क्या सर्कुलेट होता है आप सबको पता है, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट ही कराता है ना, हार्ट पंप करता है, और पूरी बॉडी में ही ब्लड सर्कुलेशन कराता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ब्लड की, ये व्यान वायु की वजह से हो रही है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या बताया गया है? रस संवहन, गमन, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश और उन्मेश। ठीक है, तो ये क्या है? रस का संवहन, रस धातु, जो पाचन हो गया समानवात ने, पाचन सब करा दिया, उसके बाद क्या किया ये जो व्यानवात क्या करेगा? ये जो पाचन हो गया रस, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराएगा। गमन मीन्स आपकी बॉडी की जो मूवमेंट वगैरह है, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, उठना बैठना, निमेश उन्मेश, आपकी पलकें झपकना, है ना, पलकें बंद होना, आंखें खुलना, फिर उन्मेश निमेश, वो सब व्यान वायु का काम।
नेक्स्ट आता है अपानवाद। अपानवाद कहाँ पे रहता है? सिचुएटेड इन पक्वाशय, सर्कुलेट्स थ्रू श्रोणी, वस्ति, मेढ्रा एंड उरु। तो ये सब प्रदेश में ये सर्कुलेट करता है, पक्वाशय में ये रहता है। इसका काम क्या है? शुक्र प्रवृत्ति, आर्तव प्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्ति, मूत्र पर प्रवृत्ति और गर्भ निष्क्रमण। ठीक है, तो सारी चीजों को बाहर निकालना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अपान वायु का काम है सारी चीजों को बाहर निकालना, शुक्र बाहर निकालना, आर्तव मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालना, पुरुष को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना, है ना। गर्भ जो नॉर्मल डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसमें गर्भ को बाहर निकालने के लिए भी अपान वायु ही उसमें फंक्शन करता है। नेक्स्ट है फाइव टाइप्स ऑफ पित्त। वात के बाद आ गया पित्त। पित्त और उसके साइट और उसके फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले आता है पाचक पित्त। पाचक पित्त नाम से ही पता चल रहा है, ये पाचन कर्म करता होगा। तो ये कहाँ पे रहता है? आमाशय और पक्वाशय के बीच में ये रहता है। ठीक है, आमाशय में आपका खाना चला गया, कुछ देर वहां पे पड़ा रहा, फिर वहां पे पाचन क्रिया शुरू हो जाती है ना। तो ये आमाशय पक्वाशय के बीच में रहता है और ये सारे खाना के पाचन कराता है, खाने की चीजों का। इसका फंक्शन क्या है? अन्न पाचन, जैसा मैंने बताया था, सार किट विभाजन। सार किट विभाजन समान वायु भी कर रहा है सार किट विभाजन, पाचक पित्त भी उसकी हेल्प करता है। तो दोनों मिलके सार भाग और किट भाग को अलग अलग करते हैं। सेपरेट्स दोष आहार रस मूत्र एंड पुरुष। तो दोष कहाँ जाएंगे? आहार रस को अलग करो, मूत्र को अलग करो, पुरुष को अलग करो, ये सब पाचक पित्त का काम है। और क्या कराता है? फेलिसिटेट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कराता है। सारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा, ये सब भी पाचक पित्त कराता है। गिव स्ट्रेंथ टू ग्रहणी अदर पित्ता धात्वाग्नि एंड भूताग्नि। और पाचक पित्त जो है हमारी, वो जठराग्नि की मेन कंटेंट है। और ये क्या करता है? ये बाकी जो अग्नियां होती हैं, सात आपकी धात्वाग्नि होती हैं, पांच भूताग्नि होती हैं, है ना, तो इन सबको भी ये बल प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर टू में आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त क्या करता है? ये सबसे पहले कहाँ रहता है? ये आमाशय में रहता है। वाग्भट ने कहा ये आमाशय में रहता है और सुश्रुत ने कहा है कि ये यकृत और प्लीहा में रहता है। ये क्या करता है? रस रंजनम, रस धातु को ये कलर देता है, जिससे रस धातु रक्त धातु में परिवर्तित होती है। मैंने धातु जब पढ़ा बताए थे आपको, तो ये बताया था ना, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इसमें रंजक पित्त हेल्प करता है। रस को कलर करने के लिए रंजक पित्त हेल्प करता है, ताकि रस से रक्त धातु बन सके। नेक्स्ट आता है नंबर थ्री में साधक पित्त। साधक पित्त कहाँ होता है? हृदय में होता है। ठीक है, हृदय प्रदेश में साधक पित्त होता है। और इसका फंक्शन क्या है? बुद्धि, मेधा, अभिमान, अभिप्रेत, अर्ध साधन, यानी मन के जो सब काम है, मन जहाँ पर है साधक पित्त वहां पर है। मन के जो काम है, याद रखना, सोचना, विचारना, ये सब साधक पित्त की वजह से होता है। नंबर फोर में आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त हम पढ़ चुके हैं, आंखों में पित्त रहती है, दर्शन का काम करती है। तो कौन सी पित्त रहती है आंखों में? वो है आलोचक पित्त। क्वेश्चन आएगा आपका, आलोचक पित्त कहाँ रहता है या आंखों में कौन सी पित्त पाई जाती है? तो वहां पे आंसर है आपका आलोचक पित्त पाई जाती है। ये क्या करता है फंक्शन? रूप ग्रहण, जो हम देखते हैं वो चीजों का इमेज जो हमारी आंखों में बनती है, वो आलोचक पित्त की वजह से ही होती है। अगर आलोचक पित्त नष्ट हो जाएगा तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। नेक्स्ट नंबर फाइव में आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त कहाँ रहता है? हमारी त्वचा में रहता है। ठीक है, तो त्वचा में उसका काम क्या है? वो भ्राजन करता है या कम्प्लेक्शन देता है हमारे स्किन को। हमारी स्किन की कलर कैसी होगी, वो भ्राजक पित्त तय करता है। और क्या करता है? ये सब हम लोग स्किन पे जो भी लगाते हैं, तेल वगैरह, क्रीम वगैरह लगाते हैं, कोई लेप लगा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ये भ्राजक पित्त पर ही काम करती हैं। ये इन सारे मेडिसिन को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा छाया और प्रकाश भी भ्राजक पित्त की वजह से ही होती है। नेक्स्ट आता है कफ, या जिसको श्लेष्मा भी बोला जाता है। तो इसके साइट और फंक्शन कहाँ कहाँ है देखिए। सबसे पहले आता है अवलंबक श्लेष्मा। अवलंबक श्लेष्मा कहाँ रहता है? उरस और त्रिक प्रदेश में अवलंबक श्लेष्मा रहती है। और इसका फंक्शन क्या है? त्रिक संधारण अवलंबन ऑफ श्लेष्मा स्थान। तो जो श्लेष्मा स्थान है, जहां जहां
आपकी लुब्रिकेशन चाहिए उन सब स्थानों को ये अवलंबक मेंटेन करके रखता है। नंबर टू में आता है क्लेदक श्लेष्मा। क्लेदक श्लेष्मा आमाशय में पाई जाती है, ये क्या करती है, अन्न का संघात करती है, अन्न का क्लेदन करती है। जो खाना हम खाते हैं वो सर्कुलेट होने के लिए उसको गीला बनाए रखना जरूरी है। अगर वो सूख जाएगा तो एक जगह पे वो क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, इसलिए उसको गीला बनाए रखना, उसको फिसलने जैसा बनाए रखना, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में पूरी वो मूवमेंट करके आएगी ना, तो ये क्लेदक श्लेष्मा का काम है। नंबर थ्री में आता है बोधक श्लेष्मा। बोधक श्लेष्मा कहाँ होती है, जीभा में मौजूद होती है। ये क्या करती है, ऑब्वियसली ये टेस्ट परसेप्शन कराती है। तो ये जो हम लोग ने रस पढ़े, छह रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो छह रस है इसका बोधन कौन कराती है, आपकी जीभा ही कराती है। तो ये बोधन बोधक श्लेष्मा की वजह से होती है। नंबर फोर में आता है तर्पक श्लेष्मा। तर्पक श्लेष्मा कहाँ पे पाई जाती है, सिर प्रदेश में पाई जाती है। ये आपके सिर प्रदेश में होती है और ये इंद्रियों का नरिशमेंट करती है। सिर में सारी इंद्रियां मौजूद है ना, कान, नाक, आंख, मुंह, जीभा, ये सब आपके सिर में ही मौजूद है, तो ये सारी इंद्रियों को तृप्त करती है। उसके बाद नंबर फाइव होती है श्लेषक श्लेष्मा। श्लेषक श्लेष्मा कहाँ पाई जाती है, ये संधियों में पाई जाती है। ठीक है, संधियों में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, लुब्रिकेशन कराता है संधियों का, वो श्लेषक श्लेष्मा है। आप लोगों तर्पक श्लेष्मा में देखिए, इंद्रियां देखिए, आंख हो जाए, थोड़ी गीली गीली रहती है, आंखों में आंसू आते हैं ना, गीला नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा तो आपको बहुत इरिटेशन होगी। वैसे ही कान में भी सिक्रेशन रहता है, नाक के अंदर से सिक्रेशन आता है, जीभा से तो बहुत सिक्रेशन आता है, गीला रहता है जीभा हमेशा। तो इन सब इंद्रियों को गीला रखना बहुत जरूरी है। अगर ये ड्राई हो गई, ये सूख गई, तो ये अपना जो परसेप्शन का काम नहीं कर पाएगी, है ना, जो शब्द ग्रहण करना चाहिए कान द्वारा, या महक बताने के लिए नाक का काम है क्या, ये कैसी बदबू है, खुशबू है, क्या है, या आंख का काम है देखना, बताना कौन सी चीज क्या है, जीभा का काम है टेस्ट बताना, तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर ये गीली नहीं रहेंगी तो ये सूख जाएंगे, तो ये सारे फंक्शन सही से नहीं होंगे, इसलिए तर्पक श्लेष्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही श्लेषक श्लेष्मा भी इंपॉर्टेंट है। संधियों को लुब्रिकेट नहीं करोगे तो संधियों में सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, घिसने लगेंगी हड्डियां, एक दूसरे से नष्ट होने लगेंगी, इसलिए श्लेष्मा, श्लेषक श्लेष्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए जो भी सब बताया गया है और उसको हिंदी में लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे जब आप इसको पढ़ो, प्रिपेयर करो, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे, मल के बारे में पढ़ेंगे, और भी शारीरिक क्रिया में बहुत सारी चीजें बताई गई है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास हमने एक सवाल आपसे पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ सद्य प्राण हर मम, सद्य प्राण हर मम की संख्या कितनी बताई गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, 19 बताई गई है सद्य प्राण हर की संख्या। और जिन्होंने सही जवाब दिया है, आशु लोफी लवर लिखा है इन्होंने अपने आईडी में, आशुतोष इनका सही नाम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। ये जो सवाल पूछे जाते हैं, तीन विनर्स के नाम हम लोग अनाउंस करेंगे, पहले तीन आंसर जो सही आंसर देंगे उनके नाम हम लोग अनाउंस करेंगे हमारी वीडियो के एंड में। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर टुडेज क्वेश्चन। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेयर्स ऑफ स्किन डिस्कस कर लेते हैं। लेयर्स ऑफ स्किन में क्या क्या आती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और उसके नीचे आती है डर्मिस, और उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये इन सारी लेयर से बनी होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसल। ठीक, तो और उसके नीचे आ जाती है डर्मिस, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हेयर की रूट्स है, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड वगैरह है, ये सब पाई जाती है डर्मिस में। और उसके नीचे आता है हाइपोडर्मिस, जहाँ पे ब्लड सप्लाईज पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ये सारा फैट टिश्यू पाया जाता है, फैट एडिपोस टिश्यू वगैरह पाया जाता है। ठीक, तो लेयर्स ऑफ स्किन ये थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िएगा क्या क्या है, और बुक से भी आप लोग देखिएगा उसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है,
The measurement of which layer of त्वक is 1/18th part of प्रीही. ये हमने सारी रचना वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. तीन सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हम लोग उनका नाम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो व्रीही के 1/18th पार्ट की थिकनेस वाली त्वचा कौन सी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. अभी आज के लिए इतना ही. मुझे पता है एग्जाम टाइम है, पढ़ाई करने से नींद बहुत आती है, फिर भी हमें मेहनत करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना. तो ये क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं आज की, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ पोर्शंस और डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. और तब तक आप लोग क्या कीजिए, तब तक आप लोग ये वीडियो को खूब शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना है. बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है. और पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए खूब सारे, ठीक. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच, एंड आप सबको मेरा नमस्कार.